दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर बागपत में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जनपद के तीनों तहसील में पहुंचकर प्रदर्शन किया और साक्षी के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। आपको बता दें, बागपत जिला संयोजक अंकित बड़ोली के नेतृत्व में कार्यकर्ता बड़ौत तहसील में भी पहुंचे और उन्होंने लव जिहाद की शिकार हुई दिल्ली की नाबालिग लड़की साक्षी को न्याय दिलाने के लिए नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि हत्यारे ने हैवानियत की सभी हदें पार की हैं। उसने साक्षी पर 40 वार चाकू व पत्थर से भी वार किया। उन्होंने साक्षी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी साहिल को फांसी दिए जाने की मांग की। आज समस्त हिंदू समाज ने, जनपद बागपत के समस्त हिंदू समाज ने इकट्ठा होकर बड़ौत तहसील में जुलूस निकाल कर राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन इस विषय में दिया गया है, हमारी बेटी बहन जो नाबालिग 13 वर्षीय थी, उसको साहिल उर्फ सन्नी, जो हाथ में कलावा बांधे हुआ था, उसने निर्मम हत्या की है, वीडियो में भी है, और उस पर 40 प्रहार किए। जो निर्मम हत्या है, जो एक दिल दहलाने देने वाली हत्या है, और फिर उसको पर पत्थर से वार करता है, जिसके उसके मस्तिष्क की हड्डियां टूट जाती है, इतनी बुरी तरह उसने प्रहार किया है। आज हम उसको फांसी की मांग को लेकर आज बड़ौत तहसील में समस्त हिंदू समाज ने ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका केस चलकर और जल्द से जल्द उसे फांसी दी जाए, उसे घर उसको थाने में या जेल में उसे बिरयानी ना खिलाई जाए, उसकी खातिरदारी नहीं की जाए, उसको जल्द से जल्द फांसी दी जाए।